हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आप देख रहे हैं सिंगिंग यूट्यूबर। अगर आप लोगों को इस तरह का स्टेटस बनाना सीखना है तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि ये स्टेटस हमने कैसे बनाया है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, उसके बाद 9:16 रेशियो का प्रोजेक्ट ले लेना है, ठीक है। इस तरह से ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, मीडिया पर क्लिक करके आपको अपने फ़ोटो को ऐड करना है। जिस भी फ़ोटो का बनाना चाहते हैं उस फोटो को ऐड कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम 2-3 फ़ोटो को ऐड कर लेते हैं। अपने फ़ोटो को ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले फ़ोटो पर क्लिक करना है। इसके ड्यूरेशन को 10 सेकंड तक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके मैग्नेटी को ऑन कर दीजिए, ठीक है। फिर राइट क्लिक कर दीजिएगा। फिर सेकंड फ़ोटो पर क्लिक करके आपको इसके मैग्नेटी को ऑन कर लेना कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर राइट क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू में आना है और यहाँ से आपको एक ग्रीन स्क्रीन टेम्पलेट वीडियो ऐड करना है जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए लेयर पर क्लिक करके, मीडिया पर क्लिक करके ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड करते हैं। ग्रीन स्क्रीन वीडियो लाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से फुल स्क्रीन कर लीजिएगा। फिर आपको बैक चले जाना है यहाँ पर क्लिक करके, और यहाँ से क्रोमा की में जाना है। आपको क्रोमा की का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करके आपको इसे इनेबल कर लेना है, ठीक है। और अब आपको दोस्तों वीडियो को कुछ इस तरह से बढ़ाइएगा, ठीक है। बढ़ाने के बाद आपको यहाँ से जब फ़ोटो आपका फुल फ्रेम में आ रहा है, ठीक है, फुल फ्रेम में आ जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ कैची पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से स्प्लिट टू प्लेहेड कर दीजिएगा, ठीक है। फिर राइट क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपको इस बिंदु पर क्लिक करके यहाँ पर एक आपको ट्रांजेक्शन ऐड करना है, ठीक है। हम यहाँ से सेकिट वाले ट्रांजेक्शन को ऐड करेंगे। अगर आप लोग को ये डाउनलोड करना है तो गेट मोड पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इस पर क्लिक करके आपको यहाँ से 4th नंबर वाला ले लेना है, ठीक है। इसके टाइमिंग को कुछ इस तरह से बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, ये 0.5 कर लीजिएगा। फिर राइट क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहीं पर क्लिक करके आपको लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करके एक स्मोक वाली वीडियो ऐड करना है, उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्मोक वाली वीडियो को ऐड करते हैं। स्मोक वाली वीडियो को लाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इसे फुल स्क्रीन कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपको नीचे जाना है, आपको एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिख देगा, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ से स्क्रीन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर राइट क्लिक कर दीजिएगा। आपको क्या करना है, सेकेंड वाले बिंदु पर भी क्लिक करके आपको यहाँ से ट्रांजेक्शन को ऐड कर लेना है। चलिए नीचे चले जाइएगा सेकेंड वाले ट्रांजेक्शन पर, ठीक है। और आपको यहाँ से 4th या 3 वाला जो भी आपको लगाना है वो लगा लीजिएगा। इसके टाइमिंग को 0.5 कर लीजिएगा। फिर राइट क्लिक कर दीजिए। फिर 3rd वाले बिंदु पर भी क्लिक करके आपको यहाँ से सेकेंड वाला लगा लेना है, ठीक है। अब आपको दोस्तों वीडियो प्ले करके देखते हैं थोड़ा सा। अब आपको दोस्तों इस टेम्पलेट वीडियो में हमने पहले से सॉन्ग ऐड करके रखा है। अगर आप लोगों को चेंज करना है तो पहले इसके साउंड को ऑफ करना होगा। इस पर क्लिक करके आपको यहाँ स्पीकर जो है इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से वॉल्यूम को ऑफ कर दीजिएगा। फिर राइट क्लिक कर दीजिएगा। आपको क्या करना है, ऑडियो पर क्लिक करके आप जो भी सॉन्ग ऐड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके यहाँ से प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर राइट क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। ये सॉन्ग इस वीडियो में लग जाएगा, ठीक है। अब आपको दोस्तों इसे सेव करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है शेयर वाले बटन पे। उसके बाद अपने साइज को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ से एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा दोस्तों।